हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एंड द एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन। ठीक, यानी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका आपको एरिया बताना है। आपको यहाँ पे तीन सेमी सर्किल दिख रहा है, एक तो है रेड कलर में, मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर वन है। ठीक, और एक आपको येलो कलर दिख रहा होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस आर टू है। ठीक, और ग्रीन वाला पार्ट का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, और ये जो लाइन है ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक, और ये दिया है 4 यूनिट इसका लेंथ। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो ग्रीन वाला सेमी सर्किल है, मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक, यानी अगर हम ड्रा करें ये कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये भी कैपिटल आर होगा, और ये भी कैपिटल आर होगा। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, ये सेंटर है बड़े वाले सेमी सर्किल का, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो आर वन और एक्स वन के टर्म में तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो कैपिटल आर इक्वल टू ये आर वन है, ये भी आर वन है, यानी टू आर वन हो जाएगा, यानी ये डाया हो जाएगा पूरा सेमी सर्किल रेड वाले का। तो 2R1 प्लस X, अगर R1 निकालना चाहें तो क्या होगा, क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको आगे पता चलेगा, R माइनस X डिवाइड बाई 2। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इस साइड से R निकालें तो क्या होगा, कैपिटल R बराबर ये येलो वाले का रेडियस यहाँ तक है, यानी यहाँ तक कितना हो जाएगा 2R2 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए यहाँ तक, यानी x का वैल्यू अगर निकाल दें तो ये निकल जाएगा R बराबर, यानी 2R2 माइनस x, या R2 का वैल्यू निकालना चाहें तो x इधर गया प्लस हो गया, R प्लस x डिवाइड बाई 2। और क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इसको ड्रा करते हैं, इसको सेंटर से मिलाते हैं ग्रीन वाले सेमी सर्किल से, तो क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये इसमें जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो तो आ रहा होगा क्योंकि ये रेडियस है, और इसका लेंथ दिया है तो एक्स के टर्म में आ जाएगा, यानी क्या क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कैपिटल आर स्क्वायर, यानी यही तो था ट्रायंगल, ये राइट एंगल था, ये 4 यूनिट दिया था, ये कैपिटल आर हो गया, ये एक्स था। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपको तो निकालना क्या है, इसका ग्रीन शेडेड एरिया निकालना है सेमी सर्किल का। ठीक, तो अगर हम ए वाला एरिया घटा दें रेड का और येलो का, तो ये जो ग्रीन वाला बचे का आ जाएगा। तो देखते हैं एरिया बराबर क्या हो जाएगा, आप रेडियस के टर्म में अगर निकाल लें तो क्या होगा, ग्रीन के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उसमें से रेड वाला येलो वाला घटा देते हैं, पाई रेड का एरिया तो क्या है रेडियस स्मॉल आर वन है, तो पाई आर वन स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर टू स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर पाई बाई 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर टू स्क्वायर। ठीक,
अब हम R1 R2 जो निकाले थे यहाँ पे रखेंगे, इसीलिए निकाले हैं ठीक। R माइनस एक्स एक है डिवाइड बाय टू, एक R प्लस एक्स डिवाइड बाय टू, तो रखते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा R माइनस एक्स डिवाइड बाय टू, ये पूरा का होल स्क्वायर है, माइनस R प्लस एक्स डिवाइड बाय टू का होल स्क्वायर ठीक। ये बड़ा कोष्टक कर देते हैं, अब क्या होगा पाई बाय टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स, और नीचे हो जाएगा फोर ए बी फोर, क्योंकि आप जानते हैं ए बाई बी का पावर एम है, तो ए का पावर एम बी का पावर एम होता है ठीक। तो आगे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू कैपिटल आर स्क्वायर, इसको अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई वो करें तो गुणा करें माइनस वन से, तो क्या होगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक। और यहाँ माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस टू आर एक्स माइनस टू आर एक्स, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यानी माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, डिवाइड बाई फोर, तो क्या बचेगा पाई बाई टू आर स्क्वायर, अगर दो कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू। आगे देखते हैं क्या होगा, तो एरिया बराबर पाई बाई टू आर स्क्वायर माइनस क्या है देखते हैं, ये ध्यान दीजिए कि ये अभी ऐसे कोष्टक लगा सकते हैं, ये डिवाइड में है ठीक, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, गलती होने का चांस रहता हुआ ठीक। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यही है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दिए अंदर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू होगा। अब ये टू बार करते हैं पाई बाई फोर, ये आर निकल जाएगा एक, तो कितना बचेगा अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक। अब हमने रिलेशन निकाला है एक, देख सकते हैं वो रिलेशन कहाँ है, ये है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस होना चाहिए, कुछ तो गलती है ठीक, देखते हैं कहाँ गलती की है, क्योंकि तभी ये वैल्यू आप रख पाएंगे। तो आइए एक बार चेक करते हैं, आप ही चेक करें, ये ठीक है यहाँ तक, फिर यहाँ पे माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, पाई बाई टू आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंदर अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
गलती पकड़ में आ नहीं रहे, प्लस एक्स स्क्वायर गलती को ढूंढ रहे हैं। तो ठीक तो है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये माइनस को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यही दिक्कत, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई यहाँ कर चुके हैं। ठीक, पकड़ में आ गया। यहाँ पे आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी किया है, तभी तो ये आया था, ये कैंसिल आउट हुआ था। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये गलती होने का चांस था और हो गया। ठीक, ये होगा माइनस में, ठीक, ये भी माइनस होगा, ये कोष्टक नहीं रहेगा। ठीक, अब इसका वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, क्योंकि दिया इसीलिए है कि आप इसका यूज कर सकें। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक, तो आप जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का लगाएं तो डाटा का यूज ना हो रहा तो एक बार रीचेक जरूर कर लें, मिसलीड बहुत कम करता है कि डाटा का यूज ना हुआ। ठीक, तो इसका ध्यान रखें। तो इसका वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 4 पाई। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आप समझ गए होंगे क्या गलती की। नहीं किए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको एक बार आप खुद चेक करें और लगाएं सेल्फ। ठीक, तभी आप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मैथ एग्जाम आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं @MathExam, तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक, हम ऐसे ही कंटिन्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मैथ से रिलेटेड डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।